पति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा आसन बताएंगे जो ज्योमेट्रिकल कोण बनते हैं। ज्योमेट्रिकल कोण में क्या होता है कि बॉडी जब हमारी कोण बनाना शुरू कर देती है तो उसमें एक तरह की विपरीत तरंगे पैदा होती हैं। वो तरंगे बॉडी के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं, इसलिए हम आज आपको कोणासन बता रहे हैं। कोणासन, यह आसन कैसे करते हैं देखिए, हम बताते हैं खड़े होकर के। देखिए इस तरह से हम खड़े हैं, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे और दोनों पैरों के बीच में हम कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाएंगे। दाहिने हाथ को बाएं अंगूठे से छुएंगे और बाया हाथ हमारा ऐसे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए, सांस लेते हुए करेंगे, और हम अपने को दाहिने तरफ घुमा देंगे। अब यही दूसरी दिशा की करेंगे, यानी अब दोनों हाथ ऊपर करते हैं, अब बाया हाथ और दाहिने पैर के अंगूठे को हम छुएंगे और दाहिना हाथ हमारा ऐसे ऊपर रहेगा और सांस लेते हुए, देखिए अब सांस लेते हुए, हमारा झुकाव जो होगा वो बाई तरफ होगा। यह है कोणासन। इसके करने से देखिए लाभ क्या है, लाभ तो बहुत है। एक राउंड और कर लिया जाए तब लाभ के संबंध में बात करते हैं। फिर देखिए ऊपर इस तरह से, अब बाया हाथ मेरा ऊपर ही रहेगा और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को हम टच करेंगे सांस लेते हुए। देखिए सांस ले रहे हैं, और इसी अवस्था में हम आधे मिनट से 1 मिनट तक रहेंगे। और हमारा झुकाव जो होगा वो दाहिनी तरफ होगा। अब धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। अब फिर दूसरी बार करते हैं इसी को, देखिए फिर दोनों हाथ ऊपर, अब हम बायां हाथ से दाहिने हाथ के अंगूठे को छुएंगे और दाहिना हाथ हमारा ऊपर रहेगा सांस लेते हुए। और हमारा झुकाव जो होगा वो बाएं तरफ होगा। यह अवस्था आधे मिनट से 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे। अब धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। अब देखिए इसको कम से कम 4 से 5 राउंड करना चाहिए। इससे लाभ क्या है, लाभ यह है कि जैसे हमारी कमर दर्द करता है तो कमर तो छू मंतर हो जाएगा, और हमारे जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स आपके बिल्कुल फिट रहेंगे। पसलियां हैं, अगर पसलियों में दर्द है कोई तकलीफ है तो वह भी इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। और उसके पश्चात आपका सेंट्रलाइजेशन, ब्रेन का सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है, मन की चंचलता जो होती है वो दूर होती है। तो मन की चंचलता दूर होगी, मन स्थिर होगा, मन स्थिर होने से ब्रेन सेंट्रलाइज होगा, ब्रेन सेंट्रलाइज होने से आपकी मेमोरी पावर क्या होगी, वो बढ़ेगी।
इसलिए इस आसन के करने से मेमोरी पावर बढ़ती है। खासतौर से बच्चों को यह आसन जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। नमस्कार।